मेरा नाम कंवल है मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही गरीब घराने से था अम्मा ने मेरी शादी पैसों के ओस बहुत ही अमीर आदमी से कर दी शादी की पहली रात ही शोहर ने मुझे अपने बाप यानी मेरे ससुर के कमरे में भेज दिया कि जब तक उन्हें नींद ना आ जाए तुम तो वापस ना आना क्योंकि मेरे ससुर फालिज के मरीज़ थे सारा दिन वो दवाई खाकर सो जाते और पूरी रात जागते रहते तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता मैं सारा दिन घर का काम करती और रात को ससुर जी इशारे से कहते मेरे पाँव दबाओ थोड़ी देर भी सोने ना देते शोहर को देखे मुझे कई दिन गुजर गए तो एक दिन ससुर को खाने में नींद की दवाई देकर शोहर के पास चली गई पर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो शोहर को देखकर मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी जब होश आया तो मेरा दिल चाह कि अभी अपने शोहर से तलाक ले लूं, फिर अचानक डॉक्टर की बात सुनकर मैं सदमे में चली गई क्योंकि मैं तो उम्मीद से जब भी किसी के घर में शादी की बात चलती है या कोई रिश्ता आता है वो सबके लिए ही बड़ी खुशी की बात होती है पर हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं था जब भी कोई रिश्ता आता तो वो ऐसा होता कि शायद कोई भी लड़की अपने लिए कबूल ना कर सके कोई बूढ़ा बीमार या फिर बेहद गरीब और माजूर जिसके पास खाने पीने तक को कुछ ना होता क्योंकि हम भी गरीब थे इसलिए हम बहनों के लिए हमेशा ही ऐसे रिश्ते आते जब मैं पैदा हुई मैंने एक बहुत ही गरीब घर में आंख खोली अपने वालिदैन की मैं चौथी बेटी थी बाबा को हमने हमेशा बीमार ही देखा ना जाने उनको क्या बीमारी थी कोई काम काज नहीं कर सकते थे हमेशा घर के कोने में पड़े रहते और खांसते रहते अम्मा हमें उनके करीब ना जाने देती कि अगर तुम में से भी कोई बीमार हो गया तो मैं कहाँ से सबका इलाज करवाऊंगी पर बाप के लिए मोहब्बत और हमदर्दी हमेशा ही हमारे दिल में रहती इसीलिए जब भी मौका मिलता मैं अब्बा के पास जाकर बैठ जाती मैं इतनी छोटी और बेस समझ थी कि अब्बा की मजबूरी को ना समझ पाती और कहती अब्बा आप यहाँ से उठते क्यों नहीं हैं? अब्बा आप भी हमें बाहर ले जाया करें ना जैसे दूसरी बच्चियों को अपने बाबा लेकर जाते हैं और खूब सारी चीजें दिलवाते हैं मेरे अब्बा की आंखों में हमेशा ही मेरी बातों पे आंसू आ जाते थे और मैं उन्हें रोता देखकर परेशान हो जाती तो कहती अब्बा मुझे कोई चीज नहीं चाहिए अब्बा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी अब्बा मेरे बालों में हाथ फेरते और कहते जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपनी शहजादी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा और मैं खुश हो जाती फिर से अब्बा को अपनी फरमाइशें बताती कि मुझे फला लड़की जैसी गुड़िया भी लाकर देना और अब्बा सब चीज़ों का वादा करते कि मेरी शहजादी को ये सारी चीज़ें लाकर दूंगा और फिर अचानक मेरी कोई बड़ी बहन मुझे फरमाइश करते देख लेती तो फौरन आकर मुझे वहाँ से ले जाती और डांटती कि क्यों अब्बा को फरमाइशें कर करके परेशान करती हो शायद वो अब्बा की मजबूरी को अच्छी तरह समझती थी इसलिए उनकी आंखों में भी अब्बा को देखकर आंसू आ जाते थे और मैं समझती थी कि अब्बा मेरे लिए चीज़ें लेने का वादा करते हैं तो ये भी इन चीजों के लिए रोती हैं फिर एक दिन मैं नींद से जागी तो अब्बा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे मेरी अम्मा और बहनें सब रो रहे थे हमारे घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और मैं जब भी अम्मा के पास जाकर उनसे अब्बा का पूछती तो कोई ना कोई औरत मुझे उनसे दूर कर देती और कहती कि तुम्हारे अब्बा अस्पताल गए हैं और वो बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे और उसके बाद मेरे अब्बा कभी वापस ना आए आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आ गई कि वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं कुछ दिन सबने हमारा बहुत ख्याल रखा खाने पीने पहनने के लिए बहुत कुछ मिलता रहा पर उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ये सब सदका खैरात है पर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो सब मिलना भी बंद हो गया अब मेरी अम्मा ने ना जाने कौन सा काम ढूंढ लिया था अम्मा हर रोज कहीं जाती और हम बहनें घर में बस उनका इंतजार करती रहतीं वो सुबह सवेरे चली जाती तो शाम को ही बस वापस आती उनके पास हम सबके लिए खाना होता जो शायद उनको वहां से मिलता था जहां वो काम करती थीं हम जो पूरे दिन के भूखे होते ये तक ना सोचते कि अम्मा किन हालात से गुजरकर आई हैं हम सब बहनें पेट भरकर मजे से वो खाना खाती और जो बचता वो कल सुबह के लिए रख देते क्योंकि हमारे पास बस वही खाना आता था जिसे हम दो वक्त निकाल लेते थे उलझनों से भरा हुआ बचपन गुजरा तो अम्मा को अब खाने के अलावा हमारे रिश्तों की भी फिक्र लग गई थी मेरी बहनों की उम्रें बढ़ रही थी मगर हमारे घर भूले से भी कोई रिश्ता ना भेजता अम्मा ने कई जगह बात की हुई थी वहां से भी कोई रिश्ता ना आता तो ऐसा देखकर मेरी बहनें यहीं पर मर जाना पसंद करती क्योंकि मैं अभी चौदह पंद्रह साल की ही थी इसलिए अम्मा ने अभी बड़ी बहनों की ही बातें चलाई थी और एक दिन किस्मत मेहरबान हुई और हमारे घर एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से एक खूबसूरत नौजवान का रिश्ता आया पता नहीं उन लोगों को हमारे घर का पता किसने दिया था रिश्ते के लिए लड़का खुद आया था और साथ में एक जवान खातून थी जो बहुत ही खूबसूरत थी उस खातून ने हम सब बहनों में से मुझे पसंद किया था मेरी तीन बड़ी बहनें भी थीं इसलिए अम्मा ने मेरा रिश्ता करने से मना किया पर वो लोग अम्मा को बहुत बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार थे अम्मा फिर भी इनकार करती रही मैं अभी बहुत छोटी थी पर गुरबत और हालात ने इतनी समझ दे दी थी कि अगर मेरे बदले में मेरी अम्मा को इतने सारे पैसे मिल रहे थे मेरे बाद अम्मा और बहनों की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी इसलिए अम्मा के मना करने के बावजूद मैंने खुद वो रिश्ता कबूल कर लिया जिस पर वो खातून बहुत खुश हो रही थी उसने मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे दिए थे मैं समझ रही थी ये खातून शायद लड़के की बहन या भाभी होंगी वो लोग रिश्ता पक्का करके निकाह का दिन बताकर चले गए मेरी सारी बहनें मुझे हसरत भरी निगाहों से देखने लगी क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी अम्मा ने बाद में मुझे कहा था कि जब मैं मना कर चुकी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी रिश्ता कबूल करने की हो सकता था वो लोग किसी बड़ी बहन से ही रिश्ता कर लेते फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर वो लोग चले जाते तो क्या होता इस तरह से आपके ऊपर से एक बेटी का बोझ तो कम हो जाएगा और बदले में इतने पैसे मिलेंगे कि बाकी बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाएंगी मेरी ये बात भी सबको सही लगी मेरी बहनें मुझसे शादी के मुतलिक बातें करती कि वहां जाकर बदल ना जाना हम सब बहनों को भूल मत जाना तुम तो अब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी बंगले में रहोगी और तुम्हारा शोहर कितना प्यारा है बाबा तुम्हें शहजादी कहते थे देखा बाबा का कहना सच हुआ तुम तो शहजादी ही बन जाओगी हम गरीबों ने कभी गाड़ी बंगला या फिर अमीर लोगों का सोचा भी नहीं था बस शादी के बाद दाल रोटी पेट भर के मिल जाएगी इतनी ही हमारी सोच थी ये सब कैसे हुआ था खुदा ही जाने बहनों की इतनी बातें सुनकर मेरे दिल में भी कुछ ख्याल आए थे मेरा प्यारा घर होगा शोहर होगा खुशहाल जिंदगी के कुछ सुहाने ख्वाब मेरी आंखों ने भी सजा लिए थे अब मुझे हर वक्त उन्हीं के खयाल आते मेरा होने वाला शोहर सच में बहुत प्यारा था मैं दिल ही दिल में उसका चेहरा याद करके बहुत खुश होती फिर दिल थोड़ा डर जाता कि वो लोग निकाह का कहकर गए थे उसके बाद उनका कोई पैगाम कोई पता नहीं था अभी निकाह की तारीख में कुछ दिन बाकी थे फिर भी मुझे उनकी किसी खबर का बहुत इंतजार था डर था कहीं वो लोग मुझे अपनाने से इनकार न कर दें पर खातून ने मुझे हाथ में जो पैसे दिए थे वो इतने ज्यादा थे कि इतने पैसे देकर फिर क्यों इनकार करेंगे ये सोचकर दिल को तसल्ली होती मैं अजीब कश्म में थी और फिर आखिरकार इंतजार के दिन ख़त्म हुए वो लोग अपने वादे के मुताबिक निकाह वाले दिन आ पहुंचे वो दो गवाहों और एक निकाह ख के अलावा कुल दो ही लोग आए थे वो खातून और मेरा होने वाला शोहर खातून ने मेरी अम्मा को दस लाख रुपए दिए और मुझे निकाह के लिए तैयार करने का कहकर खुद बाहर गाड़ी में चली गई ये रकम हमारे लिए इतनी बड़ी थी कि हम लोगों के होशो हवास ही उड़ गए थे पर मैं अपनी बहनों को खुश देखकर मुतमईन थी मेरा ये फैसला सबके हक में कितना अच्छा साबित हुआ है मगर मेरी अम्मा को ना जाने उस खातून ने पैसे देते वक्त क्या कहा था जिसके बाद मेरी अम्मा इतनी उदास हो गई थी मैंने बहुत पूछना चाहा पर माँ ने कुछ ना बताया और बोली तुम बेफिक्र होकर तैयार हो जाओ अजीब बात ये थी कि वो लोग मेरे लिए शादी का जोड़ा तक नहीं लाए थे जबकि मुझे लगा था कि मेरा शोहर बहुत सारा सामान लेकर आएगा हमारी शादी के लिए अम्मा ने मेरे लिए कुछ सूट बनवाए थे मैंने उन्हीं में से एक लाल रंग का जोड़ा पहन लिया और हमारा निकाह पढ़ाया गया मैंने दिल की गहराइयों से अपने शोहर को कबूल कर लिया और मैं इतनी खुश थी जैसे ये जमीनों आसमान मेरे लिए खुशियों से भर गए हैं और मैं अपनी बहनों से बहुत सारे वादे करके अपने शोहर के साथ गाड़ी में बैठने के लिए रवाना हो गई गाड़ी हमारे दरवाजे पर ही थी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कच्चे घर के दरवाजे पर कभी ऐसी शानदार गाड़ी भी आ सकती है आज ऐसी शानदार गाड़ी आई थी वो भी मेरे शोहर की जिसमें वो मुझे लेने आया था अपने शरीक हयात बनाकर मुझे अपने साथ बिठाने के लिए यह सब कुछ मुझे ख्वाब ही लग रहा था अम्मा ने खुद मुझे गाड़ी तक छोड़ा और मैं पीछे की सीट पर बैठ गई मेरा उस खातून के साथ आगे बैठा था दोनों आपस में अंग्रेजी जुबान में बातें करने लगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने सोचा नहीं था इतने बड़े घर में शादी होगी वरना कुछ मैं भी पढ़ लेती आज अपनी इसी खामी पर बहुत अफसोस हो रहा था अपने शोहर को देख कर तसली हो जाती कि मेरी तमाम तरखामियों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया है गाड़ी चलती रही और उन दोनों में ना जाने किस बात पर बहस चलती रही दोनों मुझसे इस तरह गाफिल होकर बैठे थे जैसे उन दोनों के अलावा गाड़ी में कोई मौजूद ही नहीं मुझे अपने शोहर से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी फिर भी मैं खामोशी के साथ बैठी रही गाड़ी एक बहुत बड़े आलिशान घर के गेट में दाखिल हुई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई मैं यहाँ रहूंगी इस घर में मुझे अपनी आंखों पर पर यकीन नहीं हो रहा था पर हम जैसे ही गाड़ी से उतरे मेरा शोहर मुझे एक कमरे में लेकर गया जहां एक बूढ़ा आदमी बीमार हालत में लेटा हुआ था शोहर ने बताया ये मेरा बाप है यानी वो मेरा ससुर था और कहा कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना और जो भी ये कहें तुम कभी इनकार मत करना मैं अभी कोई बात नहीं कह पाई थी अभी उनको देख ही रही थी वो मुझे ये सब बताकर वहां से चले गए मैं उसी कमरे में अपने ससुर के पास ही बैठी रही कभी कोई नौकर कमरे में आता तो कभी कोई वो सभी मुझे अपने ससुर की खिदमत और ख्याल करने के बारे में समझाते कि कैसे उनको खाना खिलाना है कैसे दवाई देनी है उनके कौन से इशारे का क्या मतलब होता है वो खाना कैसे मांगते हैं और पानी कैसे मांगते हैं पाँव दबाने के लिए कैसे इशारा करते हैं ये सब इतना अजीब लग रहा था कि मुझे पहले ही दिन ये सब क्यों समझाया जा रहा है मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे इलावा यहां और कोई औरत मौजूद नहीं मैं इस घर में अकेली ही रहूंगी इसलिए सब इस बारे में मुझे ही बता रहे हैं मैंने हर बात सही सही याद कर ली पहले ही दिन उनको अच्छे से खाना खिलाया और रात हुई तो उनके पाँव दबाने लगी मुझे इंतजार था कि मेरे ससुर सो जाएंगे तो मैं अपने शोहर के कमरे में चली जाऊंगी पर देखते ही देखते सारी रात गुजर गई वो ना सोए मुझे जब भी नींद का झटका लगता वो मुझे उठाने के लिए अपने तरीके से शोर मचाते और मैं जाग जाती वो फिर से पैर दबाने का इशारा करते इस तरह अगली सुबह तक उनके पैर ही दबाती रही सुबह हुई नौकर उनका नाश्ता मुझे देकर गया कि इन्हें खिला दो मैंने अभी उनको नाश्ता खिलाया ही था वो खातून जो मेरे शोहर के साथ हमारे घर आई थी वो मेरे ससुर के कमरे में आई और उनके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी जो उन्होंने मेरे ससुर को तो वो फौरन सो गए मैंने पूछा बाजी मेरे शोहर कहाँ हैं तो वो खातून बोली उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं वो दफ्तर जा चुके हैं तुम बाहर चलो और नाश्ता करके घर के कामों में नौकरों का हाथ बटाओ ये सोच चुके हैं और अब ये रात को ही उठेंगे पर तुमने वक्फे वक्फे से कमरे में आकर इनकी खबर रखनी है मैं अभी तक ये बात ना जान सकी थी कि ये बाजी मेरी नंद है या जिठानी क्योंकि मेरी अभी तक किसी से सुसर की तबीयत के अलावा कोई बात नहीं हुई थी फिर थोड़ी ही देर बाद वो बाजी भी बड़ी किसी गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई घर में मैं अकेली सिर्फ नौकरों के साथ रह गई थोड़ा बहुत काम मैंने उनके साथ मिलकर किया फिर सोफे पर बैठी तो वहां बैठे बैठे मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी मुझे वक्त का पता ही ना चला और दोपहर हो गई जब मुझे उसी बाजी ने आकर जगाया और और बोली क्यों सोई हो नौकर को बुलाकर उन्होंने उससे कहा कि इसको अपना बेड दिखा दो वो नौकर फिर से मुझे सुसर जी के कमरे में ले गया और वहां कोने में रखा एक छोटा सा बेड दिखाते हुए बोला तुम यहाँ पर सोया करो ताकि बड़े साहब की खबर रख सको मैं अपना फर्ज समझते हुए हर रोज वही सोने लगी मुझे खाना और कपड़े वगैरह नौकर ही देते थे और दिन में में मुझे अपने साथ काम मदद करने का भी कहते थे मैं छोटे घर से आई थी कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर मेरा यहाँ कौन सा उधा है मैं तो खुद को इस घर की मालकन ही समझ रही थी पर शोहर को देखे मुझे कई दिन गुजर गए थे मुझे उनका कुछ अता पता नहीं था वो कब घर आते हैं कहाँ से आते हैं कब जाते हैं मेरी नजरें तरस रही थी एक बार उन्हें देखूं या बात करूं। आखिर में उन्हीं की खातिर तो यहाँ आई थी एक रोज उस बाजी को कहीं जरूरी काम से जाना था तो सुबह सवेरे ही मेरे ससुर को दवाई खिलाने आ गई और मुझे समझ में आ गया था ये लोग दिन भर इन्हें दवाई देकर सुला देते हैं और रात को जागने के लिए छोड़ देते हैं जब मुझे उनके साथ जागना पड़ता है वो दवाई खिलाकर जल्दी जल्दी से चली गई तो मैं भी आज कमरे से जल्दी बाहर आ गई थी और आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी मैंने अपने शोहर को एक कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था और मैं समझ गई थी कि यही हमारा कमरा है वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे मैं जल्दी जल्दी से उनके पीछे जाने लगी जब वो गेट तक पहुंचे तो मैंने पीछे से उन्हें आवाज दी सुनिए उन्होंने पलटकर मुझे देखा मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है वो अजीब नजरों से पहले मुझे और फिर सब नौकरों की तरफ देखने लगे थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा मैं शाम को वापस आकर तुमसे बात करूंगा मैं बहुत खुश हो गई और पूरा दिन अपने शोहर के इंतजार में गुजार दिया शाम तक मेरे ससुर जाग चुके थे फिर भी मैं बार बार कमरे से निकल कर गेट की तरफ देखती कि कब मेरा शोहर आए और मुझसे बात करें और फिर मैंने जैसे ही गाड़ी की आवाज सुनी तो बाहर आ गई पर गाड़ी में बाजी वापिस आई थी और उन्होंने मुझे सुसर जी के कमरे से बाहर देखा तो डांट दिया कि इस वक्त वो जाग रहे होते हैं और तुम रात को बाहर ना आया करो मैं मायूस होकर अंदर चली गई पर शोर का इंतजार मुझे बहुत था इसलिए मैंने आज जान बूझ कर सुसर जी को वो दवाई खिलाई जो वो बाजी खिलाकर जाती थी सुसर जी वो दवाई खाने के बाद थोड़ी ही देर में सो गए तो मैंने जिस कमरे से शोहर को निकलते देखा था वहां चली गई जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गई वहां तो वो बाजी जिन्हें मैं अपनी जेठानी या नन समझती थी वो मेरे शोहर के साथ इसी तरह बैठी थी जैसे उनका मेरे शोहर के साथ कोई गहरा ताल्लुक हो उन दोनों को यूं एक साथ देखकर मुझे चक्कर से आने लगे कि उसी वक्त मेरे शोहर ने पकड़कर मुझे कुर्सी पर बिठा दिया मुझे देखते ही बाजी चौंक गई और बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की मैं डर गई और हिचकिचाते हुए शोहर की तरफ इशारा करते हुए बोली कि इन्होंने कहा था रात को बात करेंगे वो बाजी चिल्लाते हुए शोहर से मुखातिब हुई कि ये क्या कह रही है मैं उन दोनों को झगड़ता देखकर डर गई और फौरन कमरे से बाहर आ गई उनका शोहर काफी देर तक बाहर तक सुनाई दे रहा था और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे मैं समझ चुकी थी उन दोनों का रिश्ता जो मैं समझ रही थी वो नहीं बल्कि कुछ और ही है मैं रोते रोते सुसर के कमरे में आ गई और बहुत देर तक बेड पर बैठी रोती रही आधी रात गुजर चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आई थी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ कमरे में, में मेरा शोहर आया था उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर मेरे पास आया मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी बीवी है मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मेरे इस घर और दौलत की वो अकेली मालिक है ये सब कुछ उसी का है मैं बहुत हूं। तुम मुझसे शादी क्यों की आपने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था कि वो बाजी कमरे में दाखिल हो गई और मेरे शोहर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने ही मुझे आपसे निकाह करने के लिए मजबूर किया था फिर बाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से खरीदा है दस लाख रुपए में बहुत बड़ी रकम दी है तुम्हारी माँ को तुम्हारे पीछे वो लोग सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं क्या ये सब काफी नहीं तुम लोगों के लिए मैंने एक बार अपनी माँ और बहनों के हालात के बारे में सोचा और बोली कि आप लोग मुझे वैसे भी तो खरीद सकते थे निकाह करवाने की क्या जरूरत थी मैं तो वैसे ही जिंदगी भर सोसर जी की खिदमत कर लेती निकाह करके कम से कम मेरे जज्बात से तो ना खेलते पर बाजी ने कहा कि हर कोई ऐसे कहता है तुमसे पहले भी कई लड़कियां आईं और वो चली गईं मुझे अपने ससुर जी के लिए एक खास मुलाजमा की जरूरत थी जो हर वक्त उनके साथ रहे उनकी देखभाल करे क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होता और मैंने पहले एक नौकर भी रखा था मगर वो ठीक से देखभाल नहीं कर सका था अब तुम इसी घर की हो कहीं नहीं जा सकती ना कोई और निकाह कर सकती हो ये सब बोलकर दोनों कमरे से चले गए मैंने पूरी रात रोते हुए गुजार दी अब मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि मैं इस घर में बस एक मुलाजमा ही हूँ फिर भी अपने ससुर जी की खिदमत मैं दिल से करती थी उन्हें देख कर मुझे अपने बाबा आ जाया करते थे वो भी इसी तरह एक बिस्तर पर ही थे शायद इन्हीं की खिदमत करके मैं उन्हें कुछ सुकून बख्श सकती मेरी माँ कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी पर मैंने कभी उन पर यह राज खुलने नहीं दिया वो मुझे इतने बड़े घर में देखकर बहुत खुश होती थी अब उनके हालात भी अच्छे हो चुके थे मैं भी उनको अच्छे हालात में देख कर हो जाती मेरे बाद मेरी बड़ी बहनों की भी अपनी ही बरादरी में शादियां हो गईं। वो सब बहुत खुश थे मैंने अब सुसर को दिन में नींद की दवाई खिलाने से भी बाजी को मना कर दिया था मैं उनकी खिदमत करती और उनके साथ वक्त गुजारती थी वो भी अब पहले से कुछ ठीक होने लगे थे और बात करने लगे थे वो अक्सर अपने बेटे को कमरे में बुलवाते और वो जब तक अपने बाप के साथ बातें करते मैं भी जी भर के उन्हें देख लेती थी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरी तरफ़ तवज्जा करना शुरू कर दी थी कभी मुस्कुराकर देख लेते और बात भी कर लेते थे मैं खुश हो जाती आखिर वो मेरे शोहर थे इतने सालों में बाजी की कोई औलाद ना हुई वो बाहर मुल्कों तक इलाज करवा चुकी थी पर कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ डॉक्टर ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और मेरे को सब ने दूसरी शादी का मशवरा दिया फिर बाजी जो के रिश्ते में मेरी सोतन थी, उनको भी ये बात मानना पड़ी और उन दोनों ने मुझे अपने शोहर की बीवी के रूप में कबूल कर लिया कुछ ही वक्त में मैं उम्मीद से हो गई और सबको ही इस बात की खुशी हुई वक्त गुजरता रहा और मैं एक के बाद दो प्यारे बेटों की माँ बन गई अब मुझे अपने घर में वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो एक खुशहाल औरत को चाहिए होते हैं पर मैं अब भी बाजी की बहुत इज्जत करती हूँ मैंने एक बेटा उन्हें को दिया हुआ है वो हर वक्त उनके पास होता है मेरे शोहर भी हमारा इतना प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं और हमारी जिंदगी अब सुकून से गुजर रही है